Hi guys, welcome back to my channel. So guys, मैं आज यहाँ लिकाबाली में हूँ. लिकाबाली का ये जो होटल है रिहार होटल, जो कि बहुत ही फेमस होटल है, क्योंकि हर गाड़ी मतलब बस ट्रांसपोर्ट हो सुमो या फिर खाना खाते जब पासर ईटानगर से पासर जाते हैं. तो आज का मेरा ये ब्लॉग छोटा सा होगा, ट्रैवलिंग ब्लॉग, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए. मैं आगे आपको और भी अच्छा अच्छा चीज़ दिखाने वाली हूँ, आई मीन रास्ता दिखाने वाली हूँ जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था बासार टू लिकाबाली का बीच में. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ रिहार होटल. तो यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है. अभी तो फिलहाल रास्ता थोड़ा ठीक है, आगे बीच बीच में जो जहाँ लैंडस्लाइड ये सब होता है वहाँ पे बहुत ख़राब है. अभी तो यहाँ से आगे तक तो पूरा हाईवे ही है. तो अभी से रास्ता थोड़ा ख़राब खराब दिख रहा है, बारिश आने से ऐसे हाल हो जाता है ये रास्ता का, लेकिन आगे से फिर से हाईवे ही मिलेगा. पहले यहाँ पे खाना खाता था जब बस रुकता था, तो मुझे याद है ये भी एक होटल है. सब पहुँचते पहुँचते शायद अभी पौने 11 हो गया, दो तीन बज जाएगा, क्योंकि हम लोग आराम से जाना है. प्लस वो है स्कूटी, इतना जोर से तो भागा नहीं पाएगा स्पीड से, क्योंकि रास्ता भी बहुत ख़राब है. पूरा इतना बड़ा बड़ा ट्रक लोग जाके इतना गड्ढा गड्ढा कर दिया रास्ता को. तो पहुँचते पहुँचते आई थिंक 3 ऐसे बज जाएगा. लिकाबाली तो बासर कभी अप डाउन करते हो तो प्लीज़ आराम से गाड़ी चलाइएगा, बहुत ज़्यादा टर्निंग है और इतना बड़ा बड़ा टर्निंग, यहाँ पे ऐसे में बहुत से इंसिडेंट हो जाता है. तो आराम से आप लोग चली जाते हो यहाँ से, चाहिए आराम से, जगह जगह पे पर टर्निंग ही टर्निंग है. यहाँ से बासार 68 किलोमीटर और गारू 29 ओके 68 किलोमीटर और अभी बच रहा है 10:45 ही है. पहले हम ज़्यादा एडवांस बोल दिया था क्योंकि 11:40 हो रहा था, अभी 10:45 हो गया. फिलहाल तो अभी रास्ता बहुत अच्छा है यहाँ का, आगे पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा ट्रक लोग जाते हैं तो पूरा रास्ता को वो कर देते हैं, गड्ढा गड्ढा कर देते हैं. और मैं जब उस दिन आया था तब भी देखा था कि रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं था, छोटा छोटा गाड़ी लोग थोड़ा फंस जाता है. अभी हम लोग सीजी बस्ती पहुंच गया, वो देखिए इतना दूली, आगे से गाड़ी दूली देख के चला गया.
सो पहुंच गया अभी सीजी बस्ती। यहाँ से कुछ अभी खाने के लिए उठा के ले जाएगा ताकि रास्ता में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी आगे और जाना है बहुत दूर। बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा हालत टाइट हो रही है। यहाँ से बस्ती से निकलते हुए देखिए गाइस, यहाँ से रास्ता लैंडस्लाइड होती है, पहाड़ पत्थर लोग ऐसे होके गिरते हैं। अभी यहाँ से आई थिंक रास्ता कंडीशन ख़राब शुरू होने वाला है, आगे से ये ऐसा ही रास्ता देखने मिलेगा, टूटा फूटा। ये देखिए ये पहाड़ लोग गिर के रास्ता ब्लॉक हो जाता है। Oh, very dangerous. आगे अभी ऐसे ही कीचड़ कीचड़ वाला रास्ता देखने मिलेगा। हाँ, यहाँ पे शायद लैंडस्लाइड हुआ था, जो रास्ता ब्लॉक हुआ था यही था वो पॉइंट, ब्लॉक पॉइंट। ओह शिट, यही है वो रास्ता जहाँ पे पहले बहुत डेंजर से दो तीन दिन, शायद तीन चार दिन, हाँ ऐसे तक ब्लॉक था। वहाँ से पत्थर गिर गिर के नीचे पूरा खाए। ये सभी है ऐसे जो लैंडस्लाइड होने वाली जगह, पूरा काला काला है पत्थर, ब्लैक स्टोन। और अभी से पूरा रास्ता ऐसे शुरू हो जाएगा। तो फिर भी थोड़ा ठीक है रास्ता, आगे तो और भी खराब खराब वाला है, टूटा फूटा। छोटा सा पानी है वाटरफॉल। आगे आपको मैं और एक वाटरफॉल दिखाऊंगी, वो बड़ा है। ऐसे छोटा छोटा तो आगे और भी बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन मैं एक बड़ा वाला दिखाऊंगी आप लोगों को बाद में। ये देखिए रास्ता। ओह शिट, ओह शिट, सॉरी गाइस, ये रास्ता चल रही खराब था तो कैमरा पूरा हिल रहा है। ऐसा है रास्ता का हाल, बेहाल है रास्ता। ये देखिए रास्ता, उससे भी गाड़ी आने के लिए जो नहीं आ पा रहा।
बहुत ही डेंजरस है। अभी कितना समय लग जाएगा यहाँ पे, शायद टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत। पहले जाने वाला रास्ता को कर देना चाहिए था, तब इसलिए वो अंदर अंदर का कर देगा। और आपको दिखाती हूँ मैं नीचे का खाई। तो ये देखिए गाइस, मैंने यही वाला वाटरफॉल का बारे में बोला था, आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये अभी मैं दूर से ले रही हूँ, आगे जाके आपको दिखाऊंगी। वो देखिए वाटरफॉल, यहाँ का पानी जो ये नीचे में छोटा सा आ जाता है और ऐसे होके छोटा छोटा करके आके आगे मैं आपको दिखाती हूँ। आगे ये ऐसे ही रास्ता और देखने, ऐसे ही रास्ता फेस करना पड़ेगा क्योंकि रास्ता आगे से पूरा खराब है। अभी मैं यहाँ पे फेस दूंगी, ये भी एक वाटरफॉल है छोटा सा, इसका आगे का तो ऊपर तरफ में होगा, ऊपर से ही आता है ये भी। अभी मैं यहाँ पे फेस दूंगी, वो जो वहाँ से पहले बड़ा वाला वाटरफॉल था वो सबका पानी ही यहाँ पे आता है, यहाँ से होके वो नीचे चला जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे फेस दूंगी क्योंकि थोड़ा दुबी दुबी हो गया है। तो मैं पहुँची हूँ अभी एक ये व्यू पॉइंट, लेकिन ये क्या व्यू पॉइंट है मुझे नहीं पता, मैं ऐसे आपको व्यू दिखाऊंगी। वो देखिए, ये वो रास्ता देखिए, वहाँ से ही हम आए थे अभी। बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, पूरा बॉडी पेन कर रहा है क्योंकि रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। पीछे चार ट्रक पहुंचने का, ऐसा पहुंचने का टारगेट जो हम लोग का 3 बजे ऐसे कुछ का था, लेकिन ऐसे नहीं होगा क्योंकि हम लोग रास्ता में बहुत यू नो रास्ता भी ख़राब है, प्लस रेस्ट कर करके जा रहा है। तो शायद शाम का ज़्यादा से ज़्यादा 5 नहीं बजने से पहले पहुंचने का कोशिश करेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। सो अभी हम लोग पहुँच गए गारू, यहाँ पे BSNL का नेटवर्क आता है, बाकी एयरटेल वोडाफोन कुछ नहीं चलता है। स्टेचू देखिए, स्टेचू ऑफ जोमदा का स्टेचू। यहाँ का रास्ता भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग स्कूल ड्रेस में आते हुए, रास्ता गाड़ी का बहुत ही ज्यादा खराब है रास्ता ब्लॉक फिर से, और यहाँ पे ट्रैफिक जैम होके बैठा है, लाइक वो आगे पीछे तक है। सुनने में आया था कि रास्ता 11 बजे से पूरा बंद था, ब्लॉक टाइमिंग, तो अभी जाके खुला है 4 बजे और मैं चली अपनी मंजिल की ओर। सो गाइस, जैसे तैसे फाइनली मैं पहुँच गई बाजार।
और मैं सॉरी गाइस, मैं आगे का और वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा बैटरी पावर ऑफ हो गया था। तो आगे मैंने ब्लॉक पॉइंट में एक दोस्त से पावर बैंक लेके थोड़ा चार्ज करके मैंने भी ये वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।